श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जे वलहो होए सेण, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। धामधनी के संदर्भ में समझाया जा रहा है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यदि हमें प्रिय लगते हों तो उनके साथ की गूढ़ बातें हम दूसरों के सामने करेंगे नहीं। आशिक तड़ी न करे हेड़ी अवरी गाल, आशिक अनुरागिनी आत्माएं कड़ी न करे, कभी भी नहीं करेगी हेड़ी ऐसी अवरी गाल, उल्टी बात, ऐसी उल्टी बात कभी नहीं करेगी। चूड़ो गुज लोकन के पाए बिछोड़ो नूर जमाल, चूड़ो गुज लोकन के, चूड़ो का तात्पर्य कहना, कहती हो गुज लोकन के, लोकन के लोगों को, जो पहले था जे के जिस किसी को, तो के कहने से को अर्थ में के है, लोगों को गुड़ बातें बता दें और पाए बिछोड़ो नूर जमाल। और नूर जमाल का बिछोड़ा, बिछोड़ा का तात्पर्य वियोग, उनका वियोग भी हो तो प्राप्त हो तो भी वो गुड़ बातें लोगों को नहीं बताती। वैसे ये तो बता रही है, तो वियोग होने पर भी, मिलने पर ही नहीं, वियोग होने पर भी वो बातें बता रही है, इतने दुखी है वो फिर भी बता रही है। आशिक गुज माशुक जो गिने थी रोए रोए, आशिक अनुरागिणी आत्मा माशुक जो गुज, माशुक प्रियतम धनी के गुज गुड़ बातें गिने थी रोए रोए, रो रो करके उसको स्वीकार करती है। गुड़, अब ये गुड़ बातें क्या है, तो सुख, तो रो रो करके सुख प्राप्त करना चाहती है। डिशो उन्दी अकल आशिक जी बीजी बियन के चूहे, अब रो रो करके सुख चाह रही है, तो आप सुख दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, और प्रियतम धनी दे दें तो फिर दूसरों को बताने लग जाती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो डिशो उन्दी अकल आशिक जी, डिशों का तात्पर्य देखो, उन्दी अकल आशिक जी, आशिक जी अनुरागिणी आत्माओं के उल्टी बुद्धि को तो देखो, बिंजी बियन के चोए, तो बिंजी, बिंजी का तात्पर्य जाना, तो बिंजे, तो उसमें केड़ा बन जा, इस तरह से बन जा बिंजा, तो वो हाँ, तो बिंजी बियन के चोए जा कर दूसरों को कहती है, बियन के दूसरों को चोए कहती है। इनकी उल्टी बुद्धि को तो देखो, जा करके दूसरों को बताती है, रो रो करके सुख प्राप्त करती है और जा करके दूसरों को बताती है, कैसी इनकी उल्टी बुद्धि हो गई है। हे निपटने वालियों गालियों थिए थियों पाण हथा, अब कह रहे हैं ब्रह्मात्माओं के लिए कह रहे हैं, हे निपट निवरियों गालियों, ऐसी निपट मतलब निश्चित रूप से, निवरियों का तात्पर्य लज्जा देने वाले, लज्जास्पद, लज्जापूर्ण गालियों बातें, तो काम अर्थ में, अब यहाँ तो काम ही करना पड़ेगा, ऐसी लज्जापूर्ण कार्य, लज्जा होने वाला कार्य थिए थियों पाण हथा, पाण हथा थिए थियों हमारे हाथ से हुआ है, जेड़ी थई रांद में पाण सेड़ी थई न के मथा, जेड़ी थई रांद में पाण से, हमसे इस खेल में जो कुछ हुआ, पाण से, हमसे स्वयं से,
जेड़ी थे जैसा हुआ राधा में खेल में हमसे इस खेल में जो जो भी गलती हुई है हेड़ी थे न के मथा। हेड़ी का तात्पर्य ऐसी न थी नहीं हुई के मथा किसी के सिर पर हमारे हमसे जो कुछ गलती हुई है ऐसी गलती किसी से भी नहीं हुई है ऐसा कहना चाह रहे किसी के ऊपर भी नहीं हुई है। तो मथा तो ऊपर अर्थ में होता है किंतु यहाँ ये समझना पड़ेगा किसी से भी ऐसी गलती नहीं हुई है। आशिक चाय पाण के हेड़ी करे न कोय पाण के आशिक चाय स्वयं को आशिक कहलाकर हेड़ी करे न कोय ऐसा कोई भी नहीं करता है। स्वयं आशिक कहलाएं और इस प्रकार का कार्य करें ऐसा कोई करता नहीं है। कोठी न बंजे कांद जी साध निखर भाई जा जो ये तो कोठी न बंजे कांद जी कोठी न बंजे प्रियतम धनी के बुलाने पर कांद जी प्रियतम धनी के अर्थ में उनके कोठी बुलाने पर बुलावा पर भी न बंजे नहीं जाती हो सा निखर भाइया जो ये भाई जा मतलब समझना सा का तात्पर्य वह अर्थ में सा जो ये वह स्त्री निखर भाई जा तो निखर का तात्पर्य बिल्कुल अविश्वासी इस अर्थ में भाई जा समझना उसको ऐसे ही निकृष्ट समझना जो अपने प्रियतम धनी के बुलाने पर उनके पास नहीं जाती हो और दूसरों के पास जा जा करके उनकी बातें करती हो तो ऐसी स्त्री कैसी होती है तो वो बिल्कुल अविश्वासी कहलाती है। उनको अविश्वासी भाई जा का तात्पर्य समझना। गुज पीरी जो आशिक कड़ी न के चोए आशिक अनुरागणी आत्मा पीरी जो गुज प्रियतम धनी के गुड़ बातों को अथवा उनके सुखों को अंतरंग सुखों को कड़ी कभी भी ना के जोए किसी न किसी किसी को भी ना चोए नहीं कहती है तो कभी किसी को बोलती ही नहीं है। जे पोन का साला कोड़े तबर मंजाई रोए जे यदि पोन कसाला केड़ई केड़ई कसाला पोन करोड़ों कसाला कष्ट पोन पहुँचे करोड़ों कसाला उनको मिले पड़े पहुँचे अथवा पड़े तो भी त वर मंझाई रोई तो भी वो क्या है वर मंझाई मंझाई वर मतलब वर तो श्रेष्ठ अर्थ में होता है। अब यहाँ वर मंझाई कहने से ये समझना होगा अंदर अंदर मंज बीच में तो अंदरों अंदर तो रोए रोती है अंदरों अंदर रोती है बाहर किसी को दिखाती नहीं है ऐसा जैसे बहुत लोग अंदरों अंदर चिंतित होते हैं तो बाहर बता नहीं सकते तो ये तो अंदरों अंदर रोती है प्रियतम धनी के वियोग में किंतु बाहर कुछ भी बताती नहीं है किसी को पता ही चलने नहीं देती। हिक गुज के यो सी पधरो व्यो कोठिन दे न बे यू अब कह रहे हैं हिक एक गुज के यो सी पधरो गुज गुड़ बातों को गुड़ सुख को पधरो के ऐसी स्पष्ट कर दिया बाहर प्रकट कर दिया। पधरो का तात्पर्य स्पष्ट करना प्रकट करना तो के यो सी किया व्यो कोठिन दे न बे यू दूसरी बात कोठिन दे बुलाने पर न बे यू नहीं गई तो एक तो अंदर की बातें दूसरों को बता दी और दूसरे बुलाने पर भी ना गई। हेड़ी हिकड़ी कोई ना करे से पाणा था बे थे यूं हेड़ी हिकड़ी ऐसी हेड़ी का तात्पर्य ऐसा कार्य हिकड़ी कोई भी एक भी दूसरे कोई ऐसे एक भी कोई ना करे कोई एक भी ऐसा ना करे दूसरे दुनिया के लोग भी ऐसा कार्य नहीं करते हिकड़ी तात्पर्य एक हाँ
से पान हाथा बए थे हूँ, से वह पान हाथा हमारे हाथों से अपने हाथों से बए थे हूँ, दोनों हुए हमारे हाथों से तो दोनों अपराध हो गए हैं। दूसरे लोग कोई भी ऐसा नहीं करते। हेड़ी पान के ना घटे पान चायों अरस जूँ, हेड़ी ऐसी पान के ना घटे, हमके हमें ये शोभा नहीं देता। ना घटे कब तात्पर्य ये अच्छा नहीं लगता इस अर्थ में, तो ये ऐसा हमें शोभा नहीं देता है, ये ऐसा कार्य हमें शोभा नहीं देता। पाण चायु अरस्य ज्यों, पाण हम अरस्य ज्यों चायु, हम तो परम धाम के कहलाते हैं, हम कहाँ के कहलाते हैं, परम धाम के, चायु कहलाते हैं इस अर्थ में, हम तो परम धाम के कहलाते हैं, तो ऐसा हमसे शोभा नहीं देता, ऐसा हमसे शोभा नहीं देता। जे सहुर करे डिठम, जो सहुर करके, सहुर करने का तात्पर्य विवेक से जो देखते हैं, जो विवेक से देखते हैं, तो हेडो जुलम करिए थूँ, तो हेडो ऐसा जुलम, ऐसा अत्याचार अन्याय करिए थूँ, किया हम लोग, किसने, हमने, तो यदि विचार कर देख के देखें तो हमें पता चलेगा कि हमने कितनी बड़ी भूल की है। पाण चौं कूड़ी दुनिया तेमें हेड़ी कोई न के, पाण चौं कूड़ी दुनिया, पाण मतलब हम स्वयं, चौं कहती हैं, हम कहते हैं दुनिया कूड़ी, दुनिया दोषी है, झूठी है, कूड़ी का तात्पर्य झूठी, दुनिया झूठी है हम कहते हैं। तेमें हेड़ी कई न करे, तेमें उस झूठी दुनिया में भी हेड़ी ऐसी कई ना करे, कोई ना करे, तो हम दुनिया, जिस दुनिया को झूठी कह रहे हैं उसमें से उस दुनिया के लोग भी ऐसा काम नहीं करते। उलट यूँ बेअकल यूँ थी यूँ पाण सची यथे, उलट यूँ बेअकल यूँ, तो उल्टा, उल्टा का तो उल्टियों का मतलब उल्टा, बेअकल यूँ बिना बुद्धि, उल्टे है बिना बुद्धि थी यूँ पाण सची से, पाण सची से, हम सच्ची आत्माओं से थे यूँ हुआ, हम सच्ची आत्माओं से, आत्माओं के द्वारा स्वयं ऐसा कार्य हुआ, बुद्धि बिना ऐसा उल्टा कार्य हुआ, ऐसा तो जिसको हम झूठी कहते हैं ऐसे दुनिया के लोग भी नहीं करते हैं, ऐसा करा रहे। जड़े गुणा डिठम पाइन जा दृनिस घणो हेकार, जड़े जब गुणा डिठम पाइन जा, पाइन जा गुणम गुणा डिठम, जब हमने अपने गुणा का तात्पर्य दोष, जब हमने अपने दोष की ओर देखा तब क्या पता चला, दृढ़ से घणो हिकार, तो हिकार का तात्पर्य एक बार, दृनिश घणो, घणो दृनिश, तो घने बहुत, घणो बहुत, दृनिश डरी, जब एक बार हमने अपने दोषों की ओर देखा तो मुझे बड़ा भय लगा, पता नहीं हमारा क्या होगा। तरसी नारायण महाकाढ़ा किए म पाण पुकार, तरसी, तरसी का तात्पर्य डर कर, तरस करके, व्याकुल होकर के, हक अड्डा नारम, तो धामधनी की ओर, हक अड्डा, अड्डा और अर्थ में धामधनी की ओर नारम, देखा हमने कियम पाण पुकार, पाण पुकार कियम, हमने स्वयं भी पुकार किया, उनको पुकारा कि आप हमें बचाइए, इस प्रकार से हमने उनसे प्रार्थना की। गुणा डिठम पाइन जा धनी जा आसान, तो पाइन जा गुणा डिठमा, तो हमने पाइन जा गुणा डिठमा, अपने गुण दोषों को देखा, हमने अपने अपराध को, दोषों को देखा, और धनी जा आसान, धनी के आसान का तात्पर्य एहसान, उपकार, और धनी के उपकार को देखा, अपने अपराध को देखा और धनी के उपकार को देखा। उमर बे धाऊं पाइन दे जफा डिठम जान, उमर बे धाऊं पाइन दे, उमर बे, उमर गई, धाऊं पाइन दे का मतलब धाऊं पुकार,
तो धाऊ पाइंदे पुकार करते हुए उम्र चली गई। जफा डिठम जान, जफा का तात्पर्य नुकसान हानि, डिठम दिखाई दी, जान जान का तात्पर्य ये यहाँ उसमें जानने अर्थ में भी नहीं है, तो जीवन में इस अर्थ में तो ऐसे जान, तो जब जान जफा डिठम तो हमें अपने जीवन में नुकसान दिखाई दिया, तो कहने का तात्पर्य यह है। तो ऐसे पुकार करते करते उम्र भी बीत गई और तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गया, हानि भी हो गई, ऐसा कहना चाह रहा है। किने न केयो कड़ाई हेड़ो अधमा कम, किने न केयो कड़ाई, किसने भी नहीं किया कड़ाई कभी, किसने कभी भी ऐसा कार्य नहीं किया, हेड़ो अधम कम, हेड़ो ऐसा अधम कम काम, ऐसा अधम कार्य कभी किसी ने नहीं किया है। डीशी डोह पाइन जो फिरी करियूं की जुलम, डीसी डोह पाइन जो अपना पाइन जो डोह डीसी अपना दोष देखकर भी फिरी करियूं की जुलम, फिर फिरी का तात्पर्य फिर भी, की जुलम करियूं, क्यों ऐसा जुलम किया, ऐसा अपराध हमने क्यों किया, इतना बड़ा अत्याचार कैसे हुआ, हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, अपने दोस्त को देखते हुए भी हम ऐसे अधम कार्य करने लग गए, ये कहना चाह रहे हैं। डाई जो ये की करे डीसी आँखें डो, डाई डाई जो ये, डाई जो ये का तात्पर्य डाई डायो मानस ऐसा बोलते हैं ना गुजराती में, तो समझदार जोए का तात्पर्य स्त्री, समझदार स्त्री क्या करती है, की करे क्या करती है, डीसी आँखें डो, आँखें डो डीसी अपने आँखों से दोष देख करके तो वो क्या करेगी, तो की करे मतलब कैसे करेगी, ये ऐसा डाई जोए की करे डीसी आँखें डो अपने आँखों से देख करके दोष वाला कार्य कैसे करेगी, समझदार औरत होगी तो देखते देखते भूल नहीं करेगी, आँखों से देखते देखते भूल नहीं करेगी। जी जाने ती करे मथे हुकम धनी जो, अब ये कह रहे हैं जी जाने ती करें जैसा धनी समझें वैसा करें, मथे हुकम धनी जो, धनी जो हुकुम मथे, धाम धनी का आदेश ही हमारे शेर पर है, वो जैसा ठीक समझेंगे तो वैसा करें। पाण फिरी जा नारियाँ ता गाल थी हथ धनी, पाण फिरी जा नारियाँ, फिरी जा फिर, फिरी जा फिर करके मतलब मुड़ करके, पाण नारियाँ स्वयं को देखते हैं, मुड़ करके स्वयं की ओर देखते हैं, तो ता गाल थी हाथ धनी, ये बात तो धनी हाथ थे, धनी के हाथ में है, वो किसको कितने देर तक भ्रम में रखेंगे, वो तो उनके हाथ में। हित बे कहे जो ना हल्ले जे करे दानाई घनी, हित यहाँ पर बे कहे जो मतलब दूसरा किसी का ना हल्ले नहीं चलेगा, नहीं चलता है, जे करे दानाई घणी, जे जो यदि घणी दानाई करे, बहुत ज़्यादा चतुराई भी कर ले कोई अपने अपराध से बचने के लिए, किंतु उनका किसी का भी कुछ चलने वाला नहीं है। नारम इलम धनी जो सब हुकुम के यो ख्याल, धनी जो इलम नारम धनी के ज्ञान को देखा मतलब तारतम ज्ञान से जब समझने का प्रयत्न किया, सब हुकुम के यो ख्याल तो लगा कि ये ख्याल है, ख्याल का तात्पर्य खेल, ये कल्पना, सब तो हुकुम से ही तो है, धनी के हुकुम से हुआ। बियो कोए न किताए रे हुकुम नूर जमाल, बियो कोए न किताए, बियो दूसरा कोए न किताए, न किताए कोई, कोई दूसरा है ही नहीं,
रे हुकुम नूर जमाला, नूर हुकुम नूर जमाल हुकुम रे। रे का अर्थ बिना है, नूर जमाल के हुकुम के बिना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश के बिना दूसरा कहीं कुछ है नहीं, सर्वत्र उनका आदेश ही है, उसके अधीन हम हैं, इसलिए हम भी कुछ न कुछ भूल कर रहे हैं, भ्रम में पड़ करके, ऐसा कहना चाह रहे हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, रे हुकुम नूर जमाल, नारे माइल मा धनिय जो सब हुक्मे के यो ख्याल, बियो कोई ना कितई रे हुकुम नूर जमाल। लाल की जय।